वाह, आज का दिन वाकई ऐसा शानदार, ऐसा अनोखा और ऐसा इंस्पायरिंग दिन है कि शायद हम अपनी जिंदगी में इसको भूल नहीं पाए। बहरहाल मुझे मेरे भाई, मेरे दोस्त मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने साथ दिया है कि मैं एक गुलाब साहब के सामने रहूँ, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे डॉक्टर कैपिल साहब, डॉक्टर शाहिद साहब, अब्दुल्ला साहब और दीगर साहबान ने यहाँ बहुत अच्छी प्रैक्टिकल बातें आपके सामने आने रख दी हैं। मैं समझता हूँ कि मैं और कुछ इस तालुक से कहूँ तो शायद कोल्ड डोज हो जाएगा, और कोई भी अच्छी बात जो है उसको बिल्कुल मुख्तसर जामे और अच्छे अंदाज में कह देना कि उसके लिए उसका असर छोड़ने के लिए बहुत उम्मीद रहेगा। तो बस मैं एक मेरी नारी से पर्सनल तौर से मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि मुझ जैसे बहुत से दोस्त हमारी एक देरी ना तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि हमारे शहर कड़पा में एक इस तरह का इदारा हो जहाँ पर हमारे तलबा जो कॉलेज जिससे यूनिवर्सिटी से आते हैं उनके लिए कैरियर बनाने के लिए कुछ ट्रेनिंग, उनके लिए कुछ प्रशिक्षण का इंतजाम हो, ये हमारी ख्वाहिश थी। आज अल्लाह ने जो है आयशा स्कूल के मैनेजमेंट के अवसर से हमारी इस ख्वाहिश को अल्लाह ने पूरी किया और अच्छी तरह से जो है उसका इंतजाम किया गया है आयशा कैरियर अकेडमी का। इसके लिए मैं आपकी दिल की गहराइयों से यहाँ के मैनेजमेंट के बार बार पेश करता हूँ। अल्लाह करे कि ये अकेडमी हमारे ख्वाहिशों का, हमारी हमारी अरमानों का कामयाबी का एक सरचश्मा बन जाए और यहाँ से जो है हमारी कामयाबी यहाँ पर जो है गहवारा बन जाए। तो जिसे मैंने माना है कि जिंदगी में कामयाबी का मंत्र क्या होना चाहिए, हालांकि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं हूँ कि जो आपको मैं कह सकूँ कि ऐसा कीजिए बड़ा कीजिए, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता, मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा अपील नहीं माना, फिर भी जो कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो उसको मैं बिल्कुल ही मुख्तसर तौर पर एक जुमले में मैं आप तक ये बात पहुँचाना मैं समझता हूँ, शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। सुनिए कि मोस्ट ऑफ द पीपल फेल not due to lack of intelligence, most of people fail not due to lack of intelligence but due to lack of desire, direction, dedication and discipline. I think these are the four things which we embrace in our lives. If we try to just truly interpret this mantra in our life, I think inshallah we can do wonders in life and you can achieve your goals and you can be the most successful person's life. I hope you will just remember this mantra that has to be first desire. आपको इस दिन में अपने ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। अजय साहब कोई आप ऑफिसर है, कोई दिल्ली देखे प्रिवेंटर, आपके दिल में पहले सबसे पहले जब तमन्ना जागनी चाहिए कि हाँ मुझे इसको हासिल करना है, और इस तमन्ना को, इस डिजायर को पूरी करने के लिए आपको एक डायरेक्शन चुनना होगा कि किस तरह से मैं इस मकसद से उपयोग करिए, इस मकसद को हासिल करने के लिए मुझे कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, किस तरह से कौन से इंस्टीट्यूट से किस किस्म की पढ़ाई, किस किस्म की तालीम, किस किस्म का स्किल मेरे अंदर आए जिसकी वजह से जो है मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना, मेरी डिजायर पूरी। अब उसके बाद में जब आपको डायरेक्शन सेट हो जाए आपका, तो होना ये चाहिए कि आप पूरे दिलो जान से उसके पीछे लग जाए, जो कि डेडिकेशन कहलाता है, डेडिकेट कर दें अपने आप को कि हाँ मुझे इसी दौर इसी अंदाज से जो है इसको हासिल करने में, इस रास्ते से इस गुजार को हासिल करना। और इन तीनों चीज़ों की जमा होने के बाद आपके अंदर एक सिस्टम होना चाहिए, जिसके सिर्फ क्या एक सिस्टम है, वक्त का मैनेजमेंट है जैसे हमारे साहब कह रहे थे, तो एक सिस्टम का सही सिस्टम अपना है उसके अंदर किसी भी आया जाए तो इतना कोई बात नहीं, जिससे हम सब नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप मेरी इस मुख्तसर बात को याद रखेंगे और इन शाह आप जाते जाते मेरे पास एक शेयर मुझे नहीं पढ़ा था जिस खबर में मेरे याद आ रहा है, कह रहा आपके पास में सितारे तोड़ने की मेरी ख्वाहिश तुमसे पूरी हो, सितारे तोड़ने की
मेरी ख्वाहिश तुमसे पूरी हो, खुदा करे मेरे खुदा करे मेरे दस से बढ़कर तुम बहुत आगे निकल जाओ।